नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी करेक्ट, तो फिफ्थ और सेवन्थ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मल्टी करेक्ट थी, लेकिन एज यूजुअल इस बारी भी मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग थी, सारा करेक्ट होने पे चार और फिर हर ऑप्शन पे प्लस वन था। तो जरा सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज, एक मिनट, तो यहां पर क्या होगा, ओहो एक मिनट भाई, पहला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, बिल्कुल सही, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो बोलता था एक्चुअली। जो पुरानी वाली बोहर थ्योरी थी वो कहती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं और उनकी रेडियस भी निकाली थी, लेकिन जब हाइजेनबर्ग आया तो उसने बोला कि देखिए भाई हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को, इवन इलेक्ट्रॉन को हम डेफिनेट उसके साथ, उसमें क्या दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी उसकी लोकेशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, ये बात बताई थी। तो ये पाथ बेसिकली इसने कैसे मूव करा दिए थे, इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी के टर्म में हम आंसर देने लगे थे, बिकॉज वी आर नॉट 100% श्योर, तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज मैक्सिमम। तो बिल्कुल सही बात है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एटम इज लोअर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनेटली फार अवे। तो आप लोग जानते हो बोहर्स मॉडल में आपने पढ़ा भी होगा, जो एनर्जी एट इनफाइनाइट होती है वो जीरो होती है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो ये कितनी होती है, -3.4 eV, ये नेगेटिव है, ये जीरो है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाते हो तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, 2s की एनर्जी लोअर होगी देन इनफाइनाइट, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, बिल्कुल क्या फॉर्मूला होता है बोहर मॉडल के हिसाब से, -13.6। एन की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, जीरो तो हो नहीं सकती। तो जब आप एन को 1 रख देंगे तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है और मैक्सिमम नेगेटिव वो कह रहा है, मतलब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वो तभी मैक्सिमम आएगा, अगर मैं एन को बढ़ाता जाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देखिए वी एन क्या होता था, जेड बाय एन, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एन, नहीं ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। आपके आंसर्स क्या होंगे, ए बी सी। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो चारों ऑप्शन है मैं इन्हें रेट करूंगा, बिल्कुल मेंस लेवल की हैं, क्योंकि अगर आप पिछले साल का इसका क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी यूज़ किया हुआ था और बहुत अच्छी वो प्रॉब्लम थी, एकदम एडवांस लेवल की, लेकिन ये प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल एवरेज प्रॉब्लम रेट करूंगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑप्शन इन विच एट लीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो द ऑक्टेट रूल, देखिए एट लीस्ट का क्या मतलब है, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 3 या उससे ज्यादा। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं वो, CO2 अगर मैं बनाऊंगा तो ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, C2H4 भी कर रहा है, तो 2 हो गए, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये नहीं करेगी, नाइट्रोजन पे 7 होते हैं, ऑक्सीजन पे 8 होते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गई। अब HCl, तो पहले तो ये देखिए HCl आ जाओ भाई, HCl तो बिल्कुल करेगा आराम से, आप बनाते भी हो LDS, यस और नो, यानी ए इज करेक्ट। अगर बी में बात करूं तो अगेन ये ऑड इलेक्ट्रॉन ये नहीं करेगी, अगर आप वो 3 बनाएंगे तो ये करेगा, ये आ नहीं रहा कोई बात नहीं, तो ये भी आपका करेगा, यहां मैंने कर दिया है, तो ये करेगा, ये ऊपर अभी बनाया था, बट H2SO4 में आपको याद होना चाहिए OH, तो भैया ये नहीं करने वाला, तो 2 ही रह गए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। BCl3 देख के ही समझ आ रहा, हाइपोवैलेंट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर दोबारा अगर मैं यहाँ देखता हूँ CO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये ठीक है और ये ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, ए और डी। तो अगेन लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आप लोग पहली ही क्लास में सीखते हैं जब आप केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन में थी। नाउ वी गोइंग फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स वाला, मोर देन वन आंसर वाला। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो ऑर्गेनिक का है, ये इसकी इंस्ट्रक्शंस थी। रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो इसमें मेरे को लगता है ये रिएक्शन तो
लगभग सारे बच्चों को याद होता है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन है और इस क्यूमीन को एरियल ऑक्सीडेशन की हुई है, तो इसका क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बना होगा। और क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया है H2SO4 में, इसका हाइड्रोलिसिस करके आपने फिनॉल बनाया होगा, और फिनॉल के साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है इसमें वो एसीटोन बनता है, ये एसीटोन होता फिनॉल होता है। तो दी बाय प्रोडक्ट इज पी, दी बाय प्रोडक्ट इज पी, ये वाला पी है, तो ये एसीटोन जो है ये एक्चुअली इसका बाय प्रोडक्ट है। तो जहां जहां आप ये कंपाउंड बना रहे हो तो उसको लेबल करना जरूरी है ताकि हमें अल्फाबेट्स का आइडिया रहे कि कौन से वाले से क्या बनेगा। अब उन्होंने बोला रिएक्शन ऑफ पी विथ थ्री इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन गिव्स यू कंपाउंड क्यू। दूसरा चेंज कर लेते हैं इसको, ये एसीटोन है और इसमें तीन इक्विवेलेंट क्लोरीन डाला है, तो तीन इक्विवेलेंट क्लोरीन डालने पर इसकी अल्फा हैलोजिनेशन करोगे, ऐसे प्लस थ्री एच सी एल, ये छह क्लोरीन हो जाएंगे, इसको ट्राइक्लोरो एसीटोन बोलेंगे। तो अगर हम पिछले पेज पे चले जाएं तो ये देख लेंगे रिएक्शन ऑफ पी विथ थ्री इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन गिव्स यू कंपाउंड क्यू, सो दिस इज गोइंग टू बी कंपाउंड क्यू, एंड कंपाउंड ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस आर एंड अ कैल्शियम सॉल्ट एस। तो जो अब आप इसमें आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ये से ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा है ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, तो इससे क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो क्लोरोफॉर्म है अलोंग विद कैल्शियम एसीटेट, तो इसमें बस ये अल्फाबेट लेबल्स लगाने हैं। तो गिव्स यू ट्रीटमेंट ऑफ पी विद थ्री इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन गिव्स यू कंपाउंड क्यू, ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर एंड कैल्शियम सॉल्ट एस। सो दिस इज गोइंग टू बी आर, क्लोरोफॉर्म आर है एंड कैल्शियम सॉल्ट इज एस, ठीक है। तो ये जो आर है क्लोरोफॉर्म, ठीक बात है। अब देख लेते हैं आगे उन्होंने क्या मांगा है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर एंड एस इज, पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ पी विद आर इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन। सो पी विद आर, सो दिस इज गोइंग टू बी पी विद आर दैट इज क्लोरोफॉर्म, ये पी है ये आर है, पी और आर के बीच में जो रिएक्शन आप कर रहे हैं उससे आपका ये स्लीप इंड्यूसिंग हिप्नोटिक सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग क्लोरीटोन बोलते हैं। क्लोरीटोन एक एक स्लीप इंड्यूसिंग हिप्नोटिक है, ट्रैंक्विलाइजर है बेसिकली, जो कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की प्रेजेंस दोनों के रिएक्शन से बनता है और इसको हम लोग क्लोरीटोन के नाम से भी बुलाते हैं। सो रिएक्शन ऑफ पी एंड आर इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स यू दिस कंपाउंड, यही हमने बनाया था जिसको हम क्लोरीटोन बोल रहे हैं। सो दिस वन इज परफेक्टली ऑल राइट। रिएक्शन ऑफ आर विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस, तो ये तो यहीं पर ही हमें पता है कि आर तो क्लोरोफॉर्म ही है, ये क्लोरोफॉर्म आर था, प्लस हाफ ओ टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स यू दिस टॉक्सिक गैस फॉस्जीन अलॉन्ग विद एचसीएल, और यही रीजन है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, अप टू द ब्रिम पूरा भर के रखते हैं, ताकि वो एयर की प्रेजेंस में लाइट कैटलाइज्ड बाय लाइट डज नॉट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म दिस टॉक्सिक गैस कॉल्ड फॉस्जीन। सो रिएक्शन ऑफ आर विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। क्यू रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस, एक मिनट, यहां पर आप क्यू देखो, ये वाला आपका क्यू है, लेकिन ये बात पूरी क्लियर है कि ये कंपाउंड जो है ये कैनेजारो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स यहां पे दिखा रखे हैं ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये कैनेजारो प्रोसेस है, ये कैनेजारो नहीं दिखाएगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। तो इफ यू डू दिस
with some calcium hydroxide or NaOH or whatever, this will go into halofoam and not into Cannizzaro. तो इतने को देख करके Cannizzaro नहीं करना है, वैसे भी इधर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो वो Cannizzaro प्रोसेस को तो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला. तो वन थिंग इज सर्टन कि ये वाली जो स्टेटमेंट है सी वाली, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. एस ऑन हीटिंग गिव्स पी, ओके. तो इसमें एस जो है वो हमारा कैल्शियम एसीटेट है, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो एसीटोन अलोंग विद कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. वैसे तो इसको दिखाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. और आप यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव कर दीजिए, ये एसीटोन अलोंग विद CaCO3. ड्राई डिस्टिलेशन तो एक तरह की थर्मल क्रैकिंग ही है, एक पायरोलिसिस है, एक थर्मल पायरोलिसिस है. तो यहीं से ही आप कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव कर सकते हो और एसीटोन आपका प्रोडक्ट यहां आ जाएगा. तो जो एसीटोन है वो ऑफकोर्स पी है. इसका मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है. सो इफ यू लुक एट दिस लास्ट स्टेटमेंट डी, दिस लास्ट स्टेटमेंट डी, दिस इज परफेक्टली साउंड, seemingly perfectly correct. The correct answer to this will be A, B and D. So यहाँ पे A, B and D are all correct statements and C is the statement which is not correct, right? So I hope this is pretty clear because इसमें जो reactions हैं वो बड़े common reactions हैं, ये बड़े commonly use करते हैं.